ओए, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? अरे जरा बताना। अरे यार डर मत, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना, समझा ना? ए यार धीरे धीरे चला। अरे यार इधर उधर थोड़ा सा नजर रखो, बस अपना काम आराम से होगा, चल। क्यों यार? अरे यार नजर क्यों रखेंगे यार? अरे यार आराम से आराम से आराम से, देख रहा है ना, बहुत ही प्राकृतिक जगह है। चारों तरफ फल फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलना है। जी हाँ बिल्कुल आराम से, और आस पास अगर जीव जंतु भी नजर आ सकते हैं, बस आराम से चलना यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यार अगर कोई आकर हम लोगों के सर पे गिरता है तब तो ओए। अरे यार अब माँ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार कोई अद्भुत जानवर यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। अरे यार चुप कर यार, अरे चुप कर यार, चुप कर यार, एक बार तुझे क्या बोल दिया कि जीव जंतु आने वाले हैं, बस तू तो यार। ओए अपने पास जितना खाना था वो सब हेंगला थेरियम खा कर चला गया। लड्डू था, हिंग का कचौड़ी था, संदेश थे, और भी बहुत कुछ थे। अरे यार बदले में वो बंदर जो लाल फल तुमको दिए, अरे यार वो खाना यार। ओए सारा दिन क्या कोई वो फल खा कर रह सकता है? तुम भी ऐसे बात करते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे यार रुक जा यार, अरे यार रुक जा यार, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, रुक जा यार। ओए दोस्त देख दोस्त कितने सारे फल है। ओए इतने सारे फल, अरे यार ये कौन सा फल है जरा बताओ मुझे। ओए देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत सारे स्वाद होंगे। यार सुनो यार, बिना कुछ सोचे समझे फल को खाना ये उचित नहीं है। ओए तो चुपचाप रह भाई मेरे, ना 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 भाई मेरे, इतना लोभ मत कर भाई, ना 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 इतना लालच मत कर भाई भाई भाई। हाँ ये क्या हुआ यार? अरे यार बचा मुझे यार, मेरे दोस्त मुझे बचा ले। अरे यार और नहीं गाएगा, कितनी बार मना किया था बिना सोचे समझे मत खा मत खा, लेकिन तू तो सुनने वाला है नहीं। खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, अब ले मजा यार। ओए अरे यार ज्ञान बाद में देगा, अरे पहले मुझे बचा यार, मुझे यहाँ से बचा यार, मुझे अपने रूप में लेकर आओ। ए, यार रुक जा रुक जा यार, अरे यार रो मत यार, जो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में क्या किया जाए। ओए माँ अब तेरा बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा माँ, अब तुम किसे अपना हिंग का कचौड़ी लड्डू अब किसे खिलाओगी माँ? अरे यार ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे यार मैं किस परेशानी में फंस गया यार? ओए माँ अब तेरा बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा माँ, अब तुम किसे अपना हिंग का कचौड़ी लड्डू अब किसे खिलाओगी माँ? अरे यार ये क्या है? ये जंगल में ये कौन है यार? अपना चेहरा अजीब बनाकर पड़ा हुआ है। नहीं यार कौन है यार? कसम है यार मैं तो कुछ तू कौन है? ये क्या है? ये जंगल में ये कौन है यार? अपना चेहरा अजीब बनाकर पड़ा हुआ है। मैं तो इधर घूमने आया हूँ, मेरा एक दोस्त है वो यार इधर में घूमने आया था और वो गांज हो गया यार। इधर क्यों आया है? अरे नहीं नहीं उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। इसका मतलब वो पीला वाला फल खा लिया है? माँ कसम। अरे नहीं नहीं उसको बहुत जोर से भूख लगी थी इसलिए। एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं आपसे, मैं घर जाकर उसके माँ से क्या बताऊंगा, तो प्लीज़ आप जरा कुछ बचाने का उपाय मुझे बताएंगे। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज़ मुझे। अरे यार ये क्या है? ये जंगल में ये कौन है यार?
अपना चेहरा अजीब बनाकर पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे दोस्त को मैं पहले वाले रूप में लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरी शर्त है। कैसी शर्त? जिंदगी में इधर कभी मत आना, इसका मतलब वो पीला वाला फल खा लिया है, ले पकड़। अरे यार फिर फल? अरे यार ये फल से मैं क्या करूंगा? ये फल अपने दोस्त को खिला, वो पहले वाले रूप में फिर वापस आएगा। जा मेरे भाई, जल्दी जा। जाता हूँ। ओए, फिर फल लेकर आया है तो? मैं कितनी बार कहा हूँ, मैं अपने जीवन में कभी भी दोबारा फल नहीं खाऊंगा, समझा तू? अरे मेरे भाई ये फल तू खा ले। अरे खाना यार, नहीं तो सारा जीवन तो गांच बन कर ही रहेगा। ओए, तब लेट क्यों कर रहा है, जल्दी जल्दी दे दे। अरे वाह, मैं तो फिर पहले वाले रूप में आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहले की तरह वापस आ गया हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार अच्छा हुआ हम लोग बच गए। अरे यार, अरे भाई जल्दी जल्दी चलो यार, भाई जल्दी चल भाई। ए यार चल। अरे चल यहाँ से यार। ओए, लेकिन ये सामने वाला गोमड़ा कौन है? अरे यार उल्टा पुल्टा मत बोल मेरे भाई, अरे वही तो तेरे को पूरा बचाया है। उल्टा पुल्टा मत बोल यार, चुप हो जा यार। ऐसा है? ओए शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। अरे यार अगर आप कुछ बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं आपसे। ओ मेरे दोस्त, ओ दोस्त। ओए नाम तो बताते जाओ। ओए मेरा नाम है घुमड़ा थेरिया। अरे हजा देखो वहाँ पर कितना अच्छा सर्कस हो रहा है, चलो देखते हैं। अरे हाँ भोदू भैया, चलिए देखना है क्या? लेकिन पॉकेट में तो पैसा हमारा नहीं है। लेकिन टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ पॉकेट में पैसा नहीं रखे तो क्या रखे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहे है ना, तुम रुक मैं जा रहा हूँ। गोरिल्ला का हाथ जो मैं मेला से खरीद कर लेकर आया हूँ वो शायद मेरे काम आ सकता है। अबे गोरिल्ला का हाथ लेकर हाड़ा कहाँ जा रहा है? अरे यार मुझे देखना है वो हाड़ा कहाँ जा रहा है, जाता हूँ उसके पीछे वो क्या करता है। अरे बाप सर्कस वाला गोरिल्ला बाहर निकल गया है, अब मैं भाग रहा हूँ। यही मौका है, अब मैं टिकट लेकर सीधा घुस जा रहा हूँ सर्कस में। अरे हाड़ा तुम हमें नहीं ले जाओ को देखने के लिए तो ये मैं सारा बात सबको बता दूंगा और पैदा फास्ट जाकर मैं कर दूंगा। तुमको छोड़कर मैं अकेला जाऊंगा देखने के लिए, ये कैसे हो सकता है? अरे तू ही तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे हाड़ा सारे बातों को यहीं पे छोड़ दे और चल जल्दी सर्कस देखने के लिए चलते हैं अंदर। कितना अच्छा सर्कस देखने के लिए मिला है हाड़ा। इतना अच्छा सर्कस देखे, इसके बाद और भी कुछ मिल जाए अच्छा खाने के लिए तो उससे भी अच्छा होता। ठीक बोला ना बुद्ध भैया? लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अरे भोदू भैया पैसा का क्या बात है, ये मेरे हाथ काम आएगा ना। जरूर। अरे भोदू भैया आप देखते जाइए ये हाथ का कमाल। अरे भोदू भैया चलो वो जो सामने रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है
उस स्टूडेंट के पीछे चलते हैं। काले मिले आई हर हर में, काले मिले आई हर हर में। अभी देखो बाबाची को मजा मैं कैसे चिखाता हूँ, देखते जाओ। मजा उठाई चल के नहर। अने माम ने माम, ये क्या आ गया रे? अरे बुद्धू भैया, सचमुच ये चिकन का बाटी हम लोगों का हो गया। अरे वाह, खाना देख कर तो हमारा जीभ में से पूरा पानी आ गया। अरे भोदू भैया, जीभ का पानी तो पहले खा लो उसके बाद खाना। इसका मतलब? अरे भोदू भैया, सर्कस तो मैंने आपको फ्री में ही दिखाया, मगर ये खाना आप खाओगे तो सेहत आपका बिगड़ सकता है। अच्छा तो भोदू भैया, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, ठीक है ना? हाजा तो ये काम हमसे बिल्कुल ठीक नहीं किया है, वो अकेले ही लगता है सारा खाना खा जाएगा। ठीक है, तब भी उसका पीछा करता हूँ, कहाँ गया है। आ क्या अच्छा चिकन है, थोड़ा सा बचा है इसको भी खा जाते हैं हम। अरे भोदू भैया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा ही गोरिल्ला का हाथ लेकर तुम मुझे डरा रहे हो, ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे छोड़ो ना भोदू भैया। अरे बाप रे बाप, कोई है जो मुझे बचाएगा? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ हमें बचाओ। आज तुमको कोई नहीं बचाएगा हाडा, अरे इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम जा इस बार सर्कस में और इसके साथ सर्कस दिखा। तुम सर्कस से भाग कर यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। तुम वही लड़का है ना? ठीक है, तुम दोनों एक साथ मिल गया। ये दोनों को पकड़ कर पिंजरा में बंद कर। अरे बाप रे बाप, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे बाप रे बाप। ये है गोपाल फाड़। गोपाल और नेपाल दोनों उपस्थित हैं। मुर्शिदाबाद राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप जानते होंगे आप लोगों को क्यों बुलाए। हाँ सुल्तान बहादुर, जानते हैं मैं न ये नेपाल, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यही आप परखना चाहते हैं ना? आप दोनों प्रस्तुत हैं? हाँ सुल्तान बहादुर। अच्छा तो ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को तीन मनुष्य लाने को कहूँगा, जिसमें से एक नदी के इस पार रहेगा और एक नदी के उस पार, और तीसरा आदमी नदी के बीच रहेगा, और समय देंगे एक दिन। जो यह काम अच्छी तरह कर लेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। जाइए, अब आप लोग काम में लग जाइए। हाँ दया कर हमें छोड़ दीजिए, हमें दया कर छोड़ दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्यों डर रहे हो? डरो मत, सुल्तान बहादुर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलकर चले आओगे बस। ये हम लोगों की हत्या तो नहीं करेंगे ना? तो फिर सुनो, कल तुम ठीक 10 बजे राजमहल के मुख्य द्वार पर चले आना, और मैं आकर खुद तुम्हें ले जाऊंगा राजमहल के अंदर। अच्छा। माँ आओगी ना? माँ कहकर बुलाए हो तो माँ अपने बेटे के तकलीफ में कैसे नहीं जाएगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन पुत्र, मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ, फिर मेरी जरूरत क्या है? डरिए मत सन्यासी जी, आप वहाँ बस कुछ क्षण के लिए जाइएगा। हाँ, इसके बाद वापस आप अपने स्थान पर चले आइएगा। आप जरूर आइएगा। ठीक है, अवश्य जाऊँगा। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं जरूर जाऊंगा। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रणाम सुल्तान बहादुर, यह देखिए आपके कथनानुसार मैं तीन व्यक्तियों को हाजिर किया हूँ। यह व्यक्ति किसान है, नदी के इस पार था,
यह व्यक्ति कुम्हार है जो नदी के उस पार मिट्टी उठा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। और गोपाल? नवाब बहादुर, मैं पहले आपको यह बता दूं कि आप यहाँ नदी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किए थे, इसलिए मैं तीन मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पुजारी है और ये ब्राह्मण है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि इनके भक्त हमेशा बढ़ते रहें और दक्षिणा में फल चावल पैसे हमेशा मिलते रहें और इसी कर्म में हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ, इसलिए ये नदी के इस पार है और ये सन्यासी हैं। कर्म क्रोध मोह माया त्याग कर घने जंगलों में बैठ के जीव जंतुओं के बीच में गहरे ध्यान से ईश्वर की साधना करते हैं। ईश्वर के ध्यान में भूख प्यास भी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है ये नदी के उस पार के हैं। और ये एक माँ है, हमेशा अपने बच्चे की सेवा करती, इसको अपनी भी फिक्र नहीं है और ना फिक्र है ईश्वर की, इसलिए इनको कहा जा सकता है ये बीच नदी के मनुष्य हैं। क्या समझे महाराज? सचमुच गोपाल, तुम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि महान विद्वान हो, और यह लो अपना पुरस्कार। आज तुमने नदिया राज्य का मान बचा लिया, यह लो पुरस्कार। आपका यह पुरस्कार से मैं धन्य हो गया महाराज। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार, ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम भी तो ठीक बोल रहे हो, चल कर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चल कर उसको देखते हैं। अरे वो देख देख, मंगल पांडे, पुलिस उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है, देखो तो। हाँ चलो उससे चल कर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या? एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ हाँ हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टब्बू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख मैं ले आया। वाह बहुत अच्छा किया, चलो चलो हमारे साथ, अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो चल। ठीक है तब चलो चलते हैं। ये देखो मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है अब हमारे सरदार को छोड़ दो। हाँ हाँ हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे, अभी हमारा सरदार को छोड़ो। हाँ ठीक है तो ये लो। एक ये तो हमारा सरदार नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है। तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे? तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ बंदूक कैसे चलेगा? हाँ कैसे? ये क्या, गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स अप। चलाके करने से कोई फायदा नहीं है।
अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। Hurray, 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 hurray,